वेलकम बैक टू कैनेडियन विंग्स। तो भाई काफ़ी टाइम हो गया है, कोई व्लॉग नहीं आया, 6 महीने ऑलमोस्ट। सीधा विंटर से पहले व्लॉग बनाया था और अब जो है समर आ गई है और अब जाके व्लॉग बन रहा है। तो पिछले 6 महीने में क्या हुआ क्या नहीं ये सब मैं बाद में बताऊंगा आपको। बट अभी जो है जो करण है मेरा फ्रेंड, उसके पापा आ रखे हैं और हम आए हैं डाउन टाउन में रिप्लीज, जो कि एक एक्वेरियम है, वहाँ घूमने और जाएंगे उसके बाद CN Tower। तो आज का ये एजेंडा है कि आज दोनों जगह घूम के आना है, पहले से बुकिंग करवा रखी है तो वो चीज़ हो जाएगी कंप्लीट। और उसके बाद आज इस पूरे के पूरे मंथ जो है हमने सिर्फ घूमना ही घूमना है। तो काफ़ी सारे व्लॉग्स आएंगे और रेगुलर व्लॉग्स आएंगे और बीच में डिस्कस करेंगे कि मैं 6 महीने कहाँ था, क्या कर रहा था, क्या नहीं किया और क्या अच्छा है क्या नहीं विंटर्स के बारे में। तो चलो फिर ये व्लॉग स्टार्ट करते हैं। ये रहा भाई एक्वेरियम ऑफ कनाडा, जिसको रिप्लीज बोलते हैं, देख सकते हो। अब इसके एंट्रेंस जो है यहाँ से है, काफ़ी सारे लोग आ रखे हैं यहाँ पर। तो चलते हैं अंदर और देखते हैं कि क्या है क्या नहीं। और दूसरा क्या है कि यहाँ पर जो रोजर्स करके एक स्टेडियम है, वहाँ पर आज बेसबॉल का कोई मैच है, जिसकी वजह से इतना ज़्यादा क्राउड आ रखा है कि पार्किंग ढूंढने में हमें 1 घंटा लग गया। और पार्किंग करी है गाड़ी और अपना अब यहाँ पे पूरा पैदल पैदल ही जाएंगे। बस मोस्टली रोड्स जो है सबकी सब ब्लॉक है यहाँ पर। ये है भाई गेस्ट सर्विस यहाँ का, अंदर आ चुके हैं रिप्लीज के। और हमने क्या करा था कि ऑनलाइन ही पैकेज बुक कराया था CN Tower का और रिप्लीज का, दोनों का $75 में। तो अभी जो है रिप्लीज है और हमारा जो टाइम स्लॉट हमने CN Tower के लिए बुक करना पड़ता है वो कर रखा है हमने 8:30 का। सो मैं अपना आगे निकलता हूँ, एक्सक्यूज मी। हाँ जी, यहाँ पर जो है अपनी टिकट स्कैन करेंगे और फिर चलेंगे अंदर। अब हमारा क्या है कि 8 बजे का हमारा जो है CN Tower, अगर आप देखोगे यहाँ से, ये रहा CN Tower। और CN Tower का जो है 8 बजे हमारा ऊपर एंट्री की वो है, टिकट का टाइमिंग है, तो हम उसमें जाने में लगेगा टाइम थोड़ा सा। बट अगर मैं आपको एक चीज़ दिखाऊंगी, यहाँ पर जब मैं बोल रहा था कि रोजर्स का जो है ये बीच में बोलने देंगे नहीं, बीच में इनको आना ही आना है। ये देख लो, ये है हमारा जोकर से आपको मिलवाऊंगा अभी थोड़ी देर में। अभी हमारे को बस फ्रेंड आ रहा है, एक और चैतन्य जो है वो आ रहा है यहाँ पे, उसका वेट चल रहा है। और जैसे ही वो आ जाएगा हम लाइन में लगेंगे और CN Tower अपना यहाँ से जाएंगे और सीधा ऊपर जाके देखेंगे कि नज़ारे कैसे लगते हैं। तो CN Tower की एंट्री हमने कर ली है, उसके अंदर बैठे हैं। यहाँ से क्या है कि आगे से रास्ता जाएगा, लिफ्ट मिलेगी और लिफ्ट से हम अंदर जा सकते हैं। और ऊपर जो है यहाँ पे 360 रेस्टोरेंट भी है, जिसकी आपको एडवांस में बुकिंग करवानी पड़ेगी, तो वो उसके लिए वो ये है। और एज वॉक भी होती है यहाँ पे जो CN Tower में, अगर आप ऊपर देखोगे ऊपर आपको एक फार्मी से बांध लेते हैं और यू कैन डू द एज वॉक ओवर देयर, बट उसकी जो है एडवांस में बुकिंग करवानी पड़ती है और वो चीज़ है। बट वो थोड़ी सी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, लाइक 220 bucks उसकी टिकट थी प्लस टैक्स, सो इट वाज नॉट वर्थ इट। एंड काफ़ी इतना जिगरा भी नहीं अभी करने का, तो वो किया नहीं। पर फ्रॉम दैट या अब वेटिंग लाइन में लगे हुए हैं, आगे हम लगे हुए हैं और उसके बाद ऊपर जाके दिखाते हैं कि कैसा व्यू आता है पूरे डाउनटाउन टाउनों का। चलो अगर साइड में देखो भाई, क्या सही व्यू आ रहा है इसके अंदर। कुछ तो बना हुआ है इसके अंदर कि आपको ऐसा सा व्यू दिख रहा है। और ऑलमोस्ट ये आ गए हम अंदर,
काफी सही सा व्यू है। एग्जैक्टली एक साल हो चुका ना हमें आए हुए, हम कभी निकले ही नहीं है। और ये देख लो हमारे साथ चैतन्य चल रहा है, चैतन्य का खुद का भी व्लॉग चैनल है। चैतन्य अपने व्लॉग का चैनल नाम बताइयो। इंडियन गाइड भाई फॉलो कर लो, 2000 होने वाले हैं, जाओ जाके फॉलो करो इसको। अभी सेम वीडियो हम बना रहे, तो इस वाली वीडियो के लिए मत जाना, बाकी वीडियोस के लिए जाना। ये वाली वीडियो आप मेरी भी चैनल पे देख लोगे तो ज़्यादा बढ़िया दिखेगा, क्योंकि ये जो है एक्वेरियम में नहीं गया था, मैं अकेला एक्वेरियम पे गया था, तो वो चीज़ थी। बाकी ये देखो भाई क्या सही बना रखा है यहाँ पर, ऐसे जंप करेगा मैंने सुपर से सीन टावर पे। लेट्स गो। क्या चीज चला भाई, क्या करना है, क्या करना है? हम फर्स्ट नहीं, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व भाई, मजाक बना हुआ है, आग लगी हुई है हमारे तेरे? नहीं, मेरे कोई आग नहीं लग रही है भाई, भाई देख अंधेरा बहुत है पर ब्राइटनेस भी चल रही है सारे का सारे। चला जाओ किसी तरीके से। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बहुत मजा आ रहा है भाई, व्यू अच्छा मिला। देखो हम सीएन, मैं बताता हूँ, हम सीएन टावर तो आए हैं व्यू देखने के लिए ही तो आए हैं, है ना? सीएन टावर आए हैं, व्यू देखने आए हैं, नीचे भी दिखेगा ऊपर भी दिखेगा, ऐसी कोई बात नहीं। तो भाई अभी हमें ऑलमोस्ट 15 मिनट्स हो चुके हैं, हम यहाँ से एंटर कर रहा था, यहाँ पे एक पिक्चर क्लिक करवाई, उसका एक डेमो वर्जन आ चुका है, अगर आप पे करोगे तो वो मिल जाएगी, वो कोई पैकेज के अंदर इंक्लूड नहीं थी, और ऐसे इसलिए ग्रीन स्क्रीन लगा रखी है यहाँ पर, सो डेट वो पीछे से उसको एडिट करके पीछे सीएन टावर डाल सके। और उसके बाद वो पूरा घूम के अभी तक हम यहीं पर आए, और यहाँ पर नीचे एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स सा बना हुआ है, यहाँ पे आप चीज़ें ले सकते हो सीएन टावर से रिलेटेड, वो इनका मर्चेंटाइज बनी हुई है, और अभी भी हम लाइन में ही वेट कर रहे हैं, तो ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि लग जाएंगे 15-20 मिनट और लाइन में खड़े खड़े, उसके बाद ऊपर जाएंगे। 8 बजे का टाइम स्लॉट दिया था, ऑलरेडी 8:30 तो हो ही चुके हैं, तो अभी भी वेट ही कर रहे हैं। ओके सो ऑलमोस्ट हमारा आ ही गया है कि 5 है, काफ़ी से बड़ी लिफ्ट है, तो अंदर आ जाएंगे हम। लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। सो ये देखो भाई फाइनली ऊपर आ गए, अभी देखते हैं कि फर्स्ट व्यू क्या आता है, हमारे लिए भी नया फर्स्ट टाइम है और आपको भी देखने को मिलेगा। वो लुक एट द क्राउड मैन, बहुत सारे लोग आ रखे हैं भाई यहाँ पर, सब बैठे हुए अपना व्यू देख रहे हैं, आओ हम भी देखें। व्यूज़ आपने देख ही लिए होंगे, तो अब हम नीचे आ गए, जो ऊपर से स्टोर दिख रहा था ना वो यही है, और यहाँ पर यही उनके मर्चेंडाइज और ये सब लगा हुआ है, तो यहाँ पे वो हम देख सकते हैं। भाई भाई स्टोर में अभी हम सामान देख रहे थे, देखो ये क्या मिला, शॉट ग्लास, इसमें मेज़र कर सकते हो आप कि कितना आपको ग्लास में डालना है, लाइक ग्लास फ्लोर तक बनाना है, स्काई पॉड तक बनाना है, या पूरा कम्प्लीट सीएन टावर तक का आपको शॉट बनाना है। तो भाई अभी जो शॉप दिखा रहा था उसमें से दो चीज़ लिए, एक ये लिया ये जो फ्रिज पे लग जाते हैं स्टिकीज, एंड उसके अलावा मैंने जो लिया है वो है एक किचन, दोनों में से देखता हूँ क्या चीज़ मैं घर भिजवाता हूँ क्या। एंड नाउ वी आर थिंकिंग ऑफ गोइंग टू द मिसागा, वहाँ पे जाके कुछ खाना खाएंगे एंड फिर वापस चलेंगे अपना घर को, और कल जाना है हमें टोरंटो आइलैंड, सो वहाँ का भी व्लॉग बनेगा जल्दी, और वो भी डालूंगा। अब बैक टू बैक इस मंथ पूरे व्लॉग्स पे व्लॉग्स आएंगे, तो डेट हम भी पूरा घूम सके, पूरा एक साल हो गया यहाँ पर हमें घूमा ही नहीं है, सिर्फ काम पे काम किया था हमने, बट अब जो है वो मौका लग रहा है कि हम घूम भी पाएंगे, क्योंकि अंकल आ रखे हैं, तो घूमेंगे, आपको भी घुमाएंगे, और उसके बाद एक जल्दी ही न्यू शेयर करूँगा अपने चैनल से रिलेटेड, कुछ नया लाने की सोच रहे हैं चैनल के ऊपर। तो चलो भाई आज का व्लॉग यहीं पर ही एंड करते हैं, क्योंकि अब जा रहे हैं मिसिसागा खाने, और फ़ोन में जो है बैटरी थोड़ी सी कम हो गई है और कुछ दिखाने को बचा भी नहीं है, तो मिलेंगे कल के व्लॉग के अंदर, एंड सी यू, बाय बाय।